गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम साक्षी हियर। तो गाइज आज से हम लोग सोच रहे हैं कि रेगुलर व्लॉग डाला जाए। तो अभी हो चुका है सुबह के, बज चुके हैं 11:15 हो रहे हैं और 10:15 पे मैं सो के उठी हूँ। चाय वगैरह पी के आई हूँ थोड़ा छत पे। फिर मैं छत पे आई हूँ तो अंकित पतंग उड़ा रहे थे तो हम भी उड़ाने लगे पतंग वगैरह। फिर इसके बाद आज के व्लॉग में देखते आगे क्या होता है, पर आज से मैं व्लॉग पे अपडेट रहूँगी, मैंने ये सोच लिया है। चलिए आगे मिलती हूँ आपसे। देखो मंजा को ना, देखो फंसा है मंजा का ही फंसा है अंकित, ठीक है अभी छूटा लो। क्या बनाने, क्या आज बना रही हैं आप? चूड़ा मटर बना रही हूँ। चूड़ा मटर बना रही हैं। सुबह सुबह का नाश्ता आज हमारा चूड़ा मटर है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। चूड़ा मटर बन रहा है, उसके बाद चाय, और उसके बाद चाय मिलेगा पीने को। और आप चूड़ा मटर और चाय ले चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोदोलिया घूमने और गोदोलिया की मार्केटिंग करने। भैया थोड़े हमारे बिजी हैं तो हम लोग आज कार वगैरह से नहीं जाएंगे, क्योंकि यार बहुत पार्क करने में दिक्कत हो जाता है। तो ऑटो इसके लिए आई थिंक बेस्ट है। हम लोग यहाँ से ऑटो ले गए और फिर हम लोग जा रहे हैं गोदोलिया। वहाँ पर थोड़ा शायद मार्केटिंग को, मार्केट आप लोग को एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसके बाद घाट वगैरह दिखाएंगे। और घाट दिखाने के बाद अभी मुझे खुद नहीं पता कि अभी गोदोलिया पे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैं आप लोग को गोदोलिया पे चल के दिखाती हूँ। अभी हम लोग ऑन द वे हैं और टेम्पो के लिए रास्ता पकड़ रही हूँ, और अब मैं सीख रही हूँ रोड पे ब्लॉगिंग करना। आदत नहीं है पर करेंगे अब। हम लोग आ चुके हैं गोदोलिया गोदोलिया और आशी भैया जा रहे हैं पैसा निकालने। कितना निकालेंगे आशी भैया? 10,000 निकालेंगे आज अच्छे से पैसे करेंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। तो हम लोग एंट्री ले लिए है, कहाँ पे लिए है? गोदोलिया मार्केट में। हम देखते एक से एक माल, एक से एक माल, 100 रुपये में माल, 100 रुपये में दो, 100 रुपये में दो लेके जाओ। इतना भीड़ है कि जैसे लग रहा है चूटी रेंग रहा है। कहो कितना भीड़ है आज बनारस हो, भीड़ तो रहा है। वही में सुंदर बन गया, देखे ना बन गया है। आप नहीं देखे थे क्या? आप नहीं देखे थे क्या? अच्छा रहे बोटिंग करने, मतलब बोट पर बैठ के हम लोग जा रहे थोड़ा गंगा आरती देखने। फिर गंगा आरती देखे और थोड़ा घूम लेते हैं बोटिंग करने के लिए, मतलब नाव में बैठ गए हैं। गुरु नहिले ना आई हम, तब भी लगा था कि हम बिना नहिले धोले आए हैं, टोपी लग रही से बाहर एकदम हेलमेट से एकदम दब गया है। कोई बात नहीं, दाढ़ी इसमें बढ़ल है छुटका की वजह से, अब खिचड़ी पर बनी। अरे कोई बात नहीं, सबको पता है अब मैरिड है। ऑनलाइन कहीं कहीं सेटिंग वोटिंग हो गए तो अभी थोड़ो देखे के हम भाभी तेरा चप्पल मारेंगे ना। तभी हम लोग बोटिंग के लिए तैयार है। मजा आ रहा है आपका फोटो? मजा आवा तो थोड़े साथ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। भाई कहाँ कहाँ घुमाइबू? अभी तो पूरा बनारस घुमाई। चलो बनारस घुमा दिया, घुमाई दिया बोला दिया। ला तो नई का सिक्का देते 20 रुपए वाला। चुस्की मारते हुए काफी वाले गिलास में निबुआ का चाय बनारस में मिला तो जिया रजा। भैया बुजी इसको कहते हैं भोकाल बनारस। यह गुरु भोकाल बनारस का, लेकिन मजा आ जाता, ब्रह्मांड एकदम हिला देता निबुआ का चाय। जो मसाला वाला जो मिलौले है ना,
का बताएं एकदम। अब लगा था हम के व्लॉगिंग छोड़ के तो ही व्लॉगिंग करेंगे पड़ जाएंगे। चलो सुनो मेरी जी आ राजा मजा आ गया। यहाँ पर लोग बोट पर बैठ गए तो यार क्या ही मस्त व्यू था, आप लोग को बता नहीं सकते। तो जो लोग बनारस नहीं आए हैं एक बार जरूर बैठ के और पूरा व्यू बोट से आप लोग लीजिए, बट लाइव जैकेट जरूर पहनिए और आप लोग देख सकते कितना प्यारा व्यू लग रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा क्लिप लगाऊँ तो आप लोग बोल जाएंगे, सिर्फ इतना बताते हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है और इसके बगल में शमशान मणिकर्णिका घाट है, जो कि यहाँ को एक श्राप दिया गया था कि यहाँ पे 24 घंटे ही यहाँ की आग चलती रहती है और ये आग कभी भी बंद नहीं हो सकती। कितनी भी बारिश होती है, आंधी आता है, तूफान आता है, पर कभी भी यहाँ की आग जो है ना वो कभी बुझी नहीं हुई है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आइए, आप लोग का सारा मोह माया सब कुछ छूट जाएगा और आप लोग को समझ आएगा कि हाँ जिंदगी असल में होती क्या है। जरूर आइए। आरती बजाएंगे, बजाएं चलाएंगे। देख लिए वंदा आरती और हम लोग वापस की तरफ बढ़ रहे हैं, घाट से हम लोग निकल गए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया भाई साहब यहाँ पे ना ही भैया, बहुत लोग के लगा हम भरे से आए थे, ये हमके मंदिर घुमावे के चक्कर में लग गए ना बूढ़ो। कैसा चाय दिया है एकदम मदरक वाली, बढ़िया मलाई मार के। अभी तो हम टेस्ट ट्राई किए हैं, जा रहे टेस्ट करने आशु बाबा। चाय अच्छा दिया हम लोग आ गए हैं घर और आरती देखने के बाद घाट से निकलते इस वक्त तो थोड़ा मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि मैं चार्ज करके नहीं गई थी घर से, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा कुछ बाहर खाई पी और फिर आ गई हूँ घर। तो घर पे आके खाना पीना खा लिया भाई साहब, तो अभी फ़ोन चार्ज किया तो सोचे कि यार लास्ट का व्लॉग पूरा कम्प्लीट कर दिया जाए। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं आप लोग से। तो ऐसी प्यार एंड सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। यू ऑल, हर हर महादेव।